नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं, वक्त है भारत एट 9 का। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। जब लड़कियां घरों से बाहर निकलती हैं, स्कूल जा रही हैं या वापस आ रही हैं, बाजार जा रही हैं किसी भी जरूरत के लिए, तो उनको बाहर दो चीजों का सामना करना पड़ता है। एक तो होती है वो एक्सरे नुमा निगाहें, वो आंखें जो बिना पलक झपकाए उन पर टकटकी लगाए रखती, और दूसरे होते हैं इंसानों के बीच बसे हैवान। लेकिन इस मुद्दे पर आज बात क्यों कर रहा हूं? आज बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चेन्नई में एक जगह से एक स्कूल की लड़कियों ने बताना जब शुरू किया, वो सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। जब लड़कियों ने बताना शुरू किया तो अब वहां सैकड़ों लड़कियों ने भी बोलना शुरू कर दिया। वहां लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की खबरें आई। पहले भी इस तरह की चीजें होती रही, फर्क है कि पेरेंट्स कन्नी काट जाते हैं समाज के डर से। सोचते हैं कि थाने जाकर मुकदमा दर्ज कराएंगे तो हमारी ही बदनामी होगी, लोग हमारी ही बच्ची की विक्टिम शेमिंग करेंगे, जो कि यहां होता है, यहां का दस्तूर है। लोग तो कपड़ों पर सवाल उठा देते हैं, लोग रात घर से बाहर निकली ही क्यों, उस पर तक सवाल करने लगते हैं। तो परिजन बस चुप्पी साध, और यही चुप्पी इन हैवानों को बल देती है, ताकत। खबर चेन्नई से है, जहां एक मूवमेंट चल रहा है। सैकड़ों लड़कियों ने अपने साथ स्कूल में हुई घटनाओं की, जो छेड़छाड़ की जो घटनाएं हैं, उन पर बोलना शुरू कर दिया है। कोई मीडिया इसको कवर करने की जहमत नहीं उठा रहा, बट वी विल नॉट बी साइलेंट। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी बीते हफ्ते, जब चेन्नई शहर के पद्म शेषाद्री बाला भवन स्कूल PSBB की कुछ लड़कियों ने राजगोपालन नाम के एक टीचर के खिलाफ बोलना शुरू किया। लड़कियों ने बताया था कि जूम कॉल की पढ़ाई करते वक्त ये टीचर लड़कियों के सामने हाफ नेकड बैठता था, उनसे भद्दी बातें करता था, उन्हें साथ मूवी चलने के लिए कहता। साथ में टीचर की शक्ल में ये सो कॉल्ड टीचर उनको पॉर्न वीडियोस के लिंक भेजता था। जिसके बाद पीएसबीबी के इस टीचर के खिलाफ जो शिकायतें मिली, उसके बाद स्कूल से इसको सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस केस भी हुआ है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जैसे ही टीचर की इस करतूत की कहानी सामने आई, और लड़कियों ने भी बोलना शुरू कर दिया। इन लड़कियों ने हौसला जुटाया और बताना शुरू किया, तो ऐसे मामलों की बाढ़। वर्तमान में चेन्नई शहर के 5 और स्कूलों में ऐसी ही हरकतों की जो कहानियां हैं वो सामने आई हैं। ये तालीम दे रहे थे वहां के शिक्षक, जिसको सुनकर आप भी उनके मुंह पर ताली बजाना चाहेंगे। और इन स्कूलों के नाम हैं सेंट जॉर्ज एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल इन शिनॉय नगर, चेटीनाड विद्याश्रम, केंद्रीय विद्यालय CLRI, महर्षि विद्या मंदिर एंड सुशील हरि इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल। नाम ध्यान से सुने, ये वो स्कूल है जहां की छात्राओं ने अपने साथ हुई घिनौनी करतूतों की पोल पोटरी खोली है। वहीं तमिलनाडु स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स TNSCPCR ने इन सभी स्कूलों को समन भेजा। SCPCR चेयरपर्सन सरस्वती रंगास्वामी का कहना है कि जो स्कूल हैं जिनके नाम सामने आए, उन्होंने खुद जाकर वहां जांच की है, और इस तरह की शिकायतें जो मिली हैं उन्होंने इसको कंफर्म भी किया है। वहीं केंद्रीय विद्यालय CLRI जो चेन्नई में है, कि 22 पूर्व छात्रों ने भी इस तरह के आरोप लगाए हैं। पूर्व छात्रों ने, उनका कहना है कि उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट से कई दफा एक हिंदी टीचर की शिकायत भी की थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, और वो टीचर आज भी इन स्कूलों में पढ़ा रहा है। सोचिए कितनी लड़कियों के साथ, कितनी गलत नियत के साथ वो कैसा कर चुका हो। ऐसे लोगों की सोच जो है वो दिवालिया हो चुकी है, उसे कोई दिवाली मनाने का अधिकार नहीं। खैर, भला हो सोशल मीडिया का कि वो बातें भी अब बाहर आने लगी हैं, कि जिनको चार दीवारों के बीच सिमटा दिया गया था, दबा दिया गया, बत्ती गुल कर दी गई। इसके साथ शहर के कई कॉलेज स्टूडेंट ने भी कुछ कहानियां ऐसी सुनाई हैं, ऐसी बताई हैं, जिन्हें सुनकर मन में खौफ पैदा हुआ। इसी हफ्ते कॉलेज की छात्रा ने एक मार्शल आर्ट जो लड़ाई झगड़े वाला जो सिखाते हैं कि डिफेंस कैसे, लड़कियों को डिफेंस सिखाता, मार्शल आर्ट का इंस्ट्रक्टर जो था उस पर गंभीर आरोप लगाए। एक एथलेटिक कोच को भी ऐसे ही एक मामले में गिरफ्तार किया गया, उस पर एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाए थे। लड़की का कहना था कि एथलेटिक कोच उसको गलत नियत के साथ टच करता था। वहीं सोशल मीडिया पर सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट की ही खबरें चेन्नई से नहीं आ रही हैं, बल्कि इन स्कूलों से जातिवाद और स्लट सेमिंग की भी खबरें आ रही हैं।
इन सब के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन साहब ने आदेश जारी कर दिया है कि स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस संचालित करने के दौरान सभी क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और मांगे जाने पर तुरंत दिखाया जाएगा। ऐसे में जिन जिन लड़कियों ने जो जो बातें बताई, जो जो घटनाएं सामने रखी, उसमें से एक बताता हूं क्या लिखा है। शक्ति नाम की एक लड़की है, वो लिखती है KVCLRI से है, केंद्रीय विद्यालय CLRI से एक लड़की है, वो लिखती है कि मिस्टर महेंद्र कुमार हिंदी टीचर, KVCLRI के हिंदी टीचर हैं मिस्टर महेंद्र कुमार, उनके बारे में लिखा है, हैज ग्रैब्ड माई बट एंड टच्ड मी inappropriately on multiple occasions, मतलब वो गलत तरीके से मुझे छूते थे कई दफा, कई multiple occasions में। This would happen in crowds, मतलब भीड़ भाड़ में भी उन्होंने ऐसा किया है। For example, when I went to distribute chocolates for my birthday, in the middle of class, class के बीच में उनके birthday पे जब वो chocolates बांटने गई थी, when my friend saw this and asked me about it, I was perhaps more embarrassed that she saw than that it happened. This is how he manipulates children and expects them to shut up. And I want to say, shut up, do this teacher. I want to say, shut up to this teacher. और ये घटनाएं जो कि चेन्नई शहर से आई हैं, ये उस चिंगारी के बाद आग में बदली हैं जब एक छात्रा ने एक हफ्ते पहले स्कूल टीचर के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। और इसके बाद कई सैकड़ा लड़कियां अपने टीचर पर इसी तरह के आरोप लगाती। देखिए, स्कूल हमारा दूसरा घर है, लेकिन क्या स्कूल है या कोई पीडोफाइल रैकेट? बड़ा सवाल है, ये स्कूल है? इस जमाने में भी वे कौन से लोग हैं जो किसी स्कूल की बच्ची पर, खुद टीचर होते हुए, ऐसी गंदी नजर रखते हैं, एक लड़की पर ऐसी निहायती गिरी हुई नजर रखते हैं? जब एक लड़की अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, पढ़ लिख रही है, तो भी लोगों को उसका हुनर नहीं पहचानना, उन्हें बस इससे मतलब है कि वो लड़की। और कुछ साहसी लड़कियां जब इस तरह से खुलकर ऐसे लोगों को बेनकाब करती हैं, तो उनको उल्टा कई तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है। कुछ सवाल जवानी होते हैं और कुछ आंखों से ही पूछ लिए जाते हैं, यानी हर लड़की हर बार जवाब भी नहीं दे पाती, चाहे वह घर पर हो या बाहर। कुछ लोगों की नजरें लड़कियों पर आखिर दूसरी मंशा के साथ क्यों होती हैं? क्या इनके घर में जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, वो इन लड़कियों या महिलाओं से कुछ अलग हैं, या वहां भी इनकी निगाहें इसी तरह से एक्सरे करती रहती हैं? कभी कपड़ों को लेकर, कभी कभी वक्त को लेकर, तो सुन लो, लड़कियां कोई चीज या सामान थोड़ी है जिसकी क्वालिटी और पैकेजिंग को हर वक्त कसौटी पर कसा जाए। उन्हें इंसान की तरह रहने दीजिए। और अब जरा अंदाजा लगाइए, जब भारत में माँ बाप पहले ही अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने भेजने से कतराते हैं, अब अगर वो इस तरह की खबरें सुनते होंगे तो क्या सोचते हैं? एक बेटी और पढ़ना चाहती, उस पर क्या प्रभाव पड़ता हो? इन जैसे लोग जो स्कूलों में लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, ये समाज में वो कीड़े हैं जिन्हें कीड़ों वाले बिस्तर पर समाज में नंगा किया जाना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी में अगर एक आदमी भी मेरी बात को सुन रहा है और वो सोचता है कि मैं सही हूं, तो वहीं से बदलाव की शुरुआत करते हैं, शुरू करते हैं। हम और आप कोशिश करते हैं, सब अपने आप बदल जाएगा। कल एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप Bharat@9 को देखते रहिए इसी तरह, और प्यार देते रहिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ बने रहिए। धन्यवाद।